नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। इटावा के सैफई गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खोल रहे हैं एक कॉलेज जिसमें 50 फीट लंबी श्री कृष्ण की प्रतिमा आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले लगा दी गई थी, जिसका उद्घाटन अभी तय होना अनिश्चित नहीं हुआ है। यह प्रतिमा बताई जा रही है कि जब कॉलेज का उद्घाटन होगा उसी वक्त पूजा पाठ के साथ विधि विधान से इस प्रतिमा को भी खोला जाएगा। सैफई में स्थापित की जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की पर्दे में ढककर रखी गई मूर्ति, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2019 के संसदीय चुनाव से पहले इसका आम जनमानस के लिए खोला जाएगा। समाजवादी पार्टी इस मूर्ति के जरिए भाजपा के मूर्तिवाद को चुनौती देने के मूड में नजर आ रही है। ये इंजीनियर कॉलेज है, सैफई में ये बन रहा है। हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी इसको तैयार करा रहे हैं। ये वही ग्राउंड है, पीछे ये जो मूर्ति है ये श्री कृष्ण भगवान जी की है। ये भी यहाँ सेट की गई है। जब इस कॉलेज की ओपनिंग की जाएगी तब इस मूर्ति को विधिविध हवन पूजन के साथ इसके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बन रहा है यहाँ पर? यहाँ पे स्कूल बन रहा है। अच्छा, किसका है ये स्कूल? स्कूल किसका है? स्कूल स्कूल बन रहा है यहाँ पे, सिपाही का स्कूल बन रहा है। नहीं नहीं, अखिलेश जी का स्कूल बन रहा है ना? हाँ। क्या नाम है उनका जिनका स्कूल बन रहा है? हाँ सर, क्या नाम है जिनका स्कूल बन रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का। अच्छा, ये किसकी किस धातु की बनी हुई है? ये कॉपर का है। कॉपर का है। कहाँ से बन के आई थी? दिल्ली से आई। दिल्ली से।